हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसको कैसे प्राप्त करें। मतलब कि अगर यूपीपी का फॉर्म भरे हैं, यूपी पुलिस का रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए आपको किसी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा, और वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद उसमें टाइप कर देंगे सरकारीrezult.com। जैसे ही सरकारीrezult.com टाइप करके इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद तो सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके सामने आ जाएगी। और यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है यूपीपी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024। मतलब यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप अपना फॉरगेट कर सकते हैं, मतलब कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 23 से लेकर के 31 अगस्त तक होने वाला है। और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना भूल गए हैं तो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे जाने के बाद और यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का। मतलब यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन मिला है, यानी कि यहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं दिया गया कैंडिडेट लॉगिन, मतलब कि अभ्यर्थी लॉगिन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके और अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करके यहाँ से साइन इन करेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता ही नहीं है, आप भूल गए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे वाला ऑप्शन जो दिया गया है, दिया गया फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब यहाँ से जैसे इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको अगला स्टेप प्राप्त होगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो देख सकते हैं दिया गया है कि आप अपना आधार नंबर डाल के या दिया गया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को टाइप करके और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को टाइप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। या तो आप आधार नंबर अपना टाइप कर लीजिएगा, या तो आपको आधार नंबर नहीं पता है तो आप जिस नंबर से यूपीपी का रजिस्ट्रेशन करवाए थे, मतलब कि ये फॉर्म भरवाए थे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको टाइप करके और यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करके आप बड़े ही आसानी से यहाँ पर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।